जैसे लगातार आपके योगदान के बाद छठ पर्व भी आ गया, लगातार छठ घाटों का निरीक्षण भी किए। इस दौरान आज एक महत्वपूर्ण बैठक आपके द्वारा की गई, क्या क्या निर्णय लिया? ये बैठक जो था ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समिति के बीच एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम कर सकें, ताकि ये जो छठ महापर्व है लोग अच्छे से मना पाएँ। इसके लिए जो लाइट की समस्या होती है या फिर ट्रैफिक इश्यूज होते हैं, इसके अलावा जो हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए मेडिकल टीम्स को लेकर के, चेंजिंग रूम्स और बैरिकेडिंग को लेकर के, इस चीज़ के बारे में ब्रीफ किया गया। और सभी की ओर से ये बताया गया कि ये कोऑर्डिनेशन में काम करके हम इस वर्ष भी अच्छे से छठ मना पाएंगे। विशेष किस किस मुद्दे पर निर्णय या दिशा निर्देश दिए? भीड़ दो भाड़ तीन मुद्दे में हैं। पहली बात है जो ट्रैफिक इश्यूज, ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा होता है, तो इस दौरान किस तरह से ट्रैफिक मैनेज किया जाएगा, ये एक मुद्दा है। दूसरी बात है कि सेफ्टी को लेकर के हम लोग अनुमंडल जो प्रशासन है, ये हम लोग पहले से तैयारी किए हुए हैं कि क्योंकि छठ घाट में लोग उतरेंगे तो वहाँ कोई सिक्योरिटी इश्यूज ना हो, इसके लिए भी हमने बोट की व्यवस्था की है। ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से शहर पे निगरानी रखी जाएगी। और बाकी और भी कोई इश्यूज होगा तो हम समय पे इसको एड्रेस करेंगे। मैम, आप तो वैसे नहीं हैं, लेकिन शहर का सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भी जैसे बात हो रही थी, तो सफाई को लेकर के आपके एंड से क्या क्या, मतलब आगे जो है वो सारी चीज़ें किए जाएंगे, ये जानना था थोड़ा सा। सफाई एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको डायरेक्शन दे दिया गया है कि तुरंत ही जो शहर में जहाँ जहाँ भी गंदगी है उनका उठाव करवाएं, और खासकर छठ के दिन 30 और 31 को कहीं भी लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए उन्हें विशेष तौर पे डायरेक्शन दी गई है। मैम, आम जनता डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं SDM ऑफिस से, खास करके बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसा कुछ भी इश्यूज होता है, तो उसमें आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते आम जनता, तो उसके लिए भी कोई सुविधा हो सकता है क्या? जी, आम जनता प्रशासन से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए, इसके लिए हमने अपील की है कि जो समिति के लोग हैं, मैंने निर्देश दिया है समिति के लोगों को कि जो वो पोस्टर्स बनाए उसमें हेल्पलाइन नंबर, जो प्रशासन के जो हेल्पलाइन नंबर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, अनुमंडल प्रशासन के, पुलिस प्रशासन की तरफ से, और जो फायर टेंडर्स या मेडिकल टीम में जो भी इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, ये वहाँ पे डिस्प्ले हों उनके बोर्ड्स में, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होने से ये लोग हमें डायरेक्ट कॉल्स कर सकें। इसके अलावा मैं जनता को, यहाँ चक्रधरपुर अनुमंडल की सभी जनताओं को छठ महापर्व की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि जिस तरह से पिछले विगत वर्षों में आपने अच्छे से छठ मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया है, इस बार भी आप मनाएंगे। और जिला अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, आप अच्छे से ये छठ मना सकें। दो तीन चीज़ें हैं जिसपे मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आपसी सौहार्द जो है ये बनाए रखे, ब्रदरहुड लोगों में मेल मिलाप बना रहे। दूसरी बात है, किसी भी तरीके की असामाजिक एक्टिविटीज, असामाजिक क्रियाओं में नहीं उलझें और अफवाह ना फैलाएं। कोई भी अगर इस तरह के असामाजिक क्रियाओं में अगर लिप्त पाया जाता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अनुमंडल प्रशासन मुस्तैद है, आप अच्छे से मनाएं और किसी भी तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हों। मतलब असामाजिक तत्वों के लिए एकदम जो प्रशासन है स्ट्रिक्ट है पूरी तरह से, कोई भी इस तरह से अगर विलिप्त मिलते हैं तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, मीडिया से भी कुछ वहाँ बैठक में अपील कर रहे थे, मीडिया से जी, मुझे। मीडिया से मेरी अपील रहेगी कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो ब्रिज का काम करते हैं ये मीडिया करते हैं। तो मीडिया से मेरी अपील है कि आप सकारात्मक तौर से हमें प्रशासन को मदद करें कि ये महापर्व जो है ये अच्छे से निकल जाए, लोग अच्छे से मना पाए। छोटी मोटी घटनाओं को ज़्यादा तूल देकर उसे मुद्दा ना बनाए, और जो इंफॉर्मेशन, जो अगर कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो समय से प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि हम समय से एक्शन ले सकें। थैंक यू।